राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में आश्रविन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है दोस्तों, जो कि शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास और शुभ दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहकर पृथ्वी के काफ़ी करीब रहता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर जो है चांद की किरणें अमृत की बूंदें बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जो है शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, और शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी जी जो है स्वर्ग लोक से दोस्तों पृथ्वी पर आती है और घर घर जाकर ये देखती है कि इस रात कौन कौन जाग रहा है। इसी वजह से दोस्तों शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए शास्त्रों में ऐसे कई काम बताए गए हैं जिनको करने से माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। दोस्तों, इस बार की जो शरद पूर्णिमा है वो 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा की हर रात बड़ी ही हसीन हुआ करती है, लेकिन जो है शरद पूर्णिमा की रात का सौंदर्य ही कुछ और देखने को बनता है। पुराणों में भी यहाँ तक कि कहा गया है कि इसकी सुंदरता देखने के लिए जो दोस्तों हैं निहारने के लिए देवी देवता भी जो है धरती पर आते हैं। बरसात के बाद धूले आसमान चिटकती चांदनी न केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात चिटकती चांदनी से जो है अमृत की बूंदें भी धरती पर गिरी रहती है। इस दिन जो है दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए भक्त उनकी विशेष तरीके से दोस्तों स्वागत और विशेष तैयारियां जो है करते रहते हैं। पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात यह है कि दोस्तों आकाश में पूरा पूर्ण उजाला होता है, और जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियाँ जागृत रहती है, उसी तरह से दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है सकारात्मक शक्ति जो है अपने चरम पर बनी रहती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की दोस्तों कृपा पा लेते हैं तो हमारा भाग्य किस्मत जो है वह बदल जाता है और हम सुख समृद्धि के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन जो है दोस्तों अगर हम शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय कर लेते हैं और उसके साथ साथ माता रानी के समक्ष व्रत उपवास रखकर इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से हमें नई नई सफलता जो है देखने को प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने से देवी माँ की कृपा, देवी लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें जो है इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दरअसल दोस्तों अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन जो है मोर पंख से जुड़े ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर ऐसी होगी कि आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख, कष्ट होंगे और माता रानी की कृपा से जल्दी खत्म होने लगेंगे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख का काफ़ी महत्व बताया गया है। इसे नवग्रह का प्रतीक भी माना जाता है, जिस कारण दोस्तों इसे कुंडली के कई दोष दूर होने के साथ ही वास्तु दोष भी दूर होते हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि मोर पंख आपके आसपास रहने से वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जो है वो कम होने लग जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस तरह से मोर पंख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है वो ला सकता है। दोस्तों मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट पर विद्यमान मोर पंख को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से यदि मोर पंख आप अपने घर पर सही जगह पर रखते हैं तो आपको लाभ होता है। जैसे अगर आपको काफ़ी समय से किसी कार्य को पूरा करने में लगातार रुकावटों का सामना कर रहा है, यानी आपके जो है काम बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी आपको जो है आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप अपने बेडरूम की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। ऐसे में उस कार्य के पूर्ण होने के योग भी बहुत ही जल्द बनने के नज़र आते हैं। और ऐसे दोस्तों अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपने घर की पैसों की तंगी को दूर करना चाहते हैं, आपके घर में आर्थिक परेशानियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, तो आपको दोस्तों एक काम करना है कि शुक्रवार के दिन मोर पंख लाकर आपको अपने व्यापार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए
शुक्रवार के दिन मोर पंख लाकर आप अपनी ऑफिस दुकान में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगा कर देखें। शास्त्रों के अनुसार घर में ऐसे घर में परिवार की आर्थिक समस्या हल होने के साथ ही जो है पैसों की तंगी भी माता रानी की कृपा से दूर होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों शरद पूर्णिमा शुक्रवार के दिन आपको बाजार से है कुछ मोर पंख घर पर लेकर आने हैं, और उन दोस्तों मोर पंख को जो है आप घर लाने के बाद मोर पंख पर शुद्ध गंगा जल भी छिड़क देना है। इससे दोस्तों मोर पंख वैसे तो पवित्र भी होता है, लेकिन अगर आप बाजार से लाते हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क देना है। और फिर दोस्तों आपको स्नान आदि करने के बाद उस मोर पंख को जो है अपने घर के मंदिर में रख देना है, जहाँ पर दोस्तों माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपके सामने अवश्य ही होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और सुगंधित धूप बत्ती भी आपको जला देना है। अब माता रानी को कुमकुम और चावल से दोस्तों तिलक कीजिएगा और माता रानी की आपको पूजा आराधना अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों जो आपने मोर पंख था वह मोर पंख भी माता लक्ष्मी जी के आगे रख देना है, और उस मोर पंख पर भी आपको कुमकुम और चावल से तिलक अवश्य ही करना है। फिर दोस्तों आपको एक काम करना है कि माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप भी करना है। दोस्तों मंत्र के जाप के बाद जो आपको उस पंख को लेकर आपको एक साधारण फोटो फ्रेम में लगा देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो फ्रेम हो फोटो वो आपको काली या सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। फिर फ्रेम के अंदर दोस्तों वो मोरपंख डालकर भगवान के पास मोरपंख लगा देना है, या फिर दोस्तों आप अपनी पसंदीदा जगह पर भी उस मोरपंख की फ्रेम को लगा सकते हैं। कहते हैं कि दोस्तों ऐसा करने से जो है व्यक्ति के घर में धन की आवक बढ़ने लग जाती है और माता रानी की जो है कृपा भी भक्त पर बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर कोई काम है आपके बहुत ही दिनों से काम में बाधाएँ आ रही हैं या बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों आप किसी भी पूजा स्थल पर राधा कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर मोर पंख रख दें। इससे दोस्तों आप किसी भी काम में बाधा आ रही है या फिर कोई भी काम है जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा करने से दोस्तों आपके सारे बिगड़े काम जो हैं माता रानी की कृपा से बनी रहेगी। और दोस्तों ऐसे ही अगर आपका कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है, अक्सर देखा जाता है कि अगर किताबों पर बच्चे मोर पंख शौक से लगाते हैं, दरअसल दोस्तों जिन बच्चों को मन पढ़ाई लिखाई पर नहीं लगता है मोर पंख उन्हीं किताबों पर लगाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है वह पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा होने लग जाती है, तो आप भी अपने बच्चों पर मोर पंख लाकर बच्चों की किताब पर अवश्य ही रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई में रुचि भी बढ़ने लग जाती है। और ऐसे दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है आप अपने घर के मोर पंख लाकर अपने घर के आग्रह कोण में आपके घर के वास्तु दोष हैं तो आप जो है मोर पंख आग्रह कोण में लाकर अवश्य ही लगाएं। इस दिशा में लगाने से दोस्तों सारा भी वास्तु दोष होता है वह खत्म होने लगता है। और दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है या बीच में किसी बात को लेकर अनबन बनी रहते हैं, तो उन लोगों को दोस्तों अपने मोर पंख को अपने शयन कक्ष में पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में अवश्य ही रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में दोस्तों ऐसा करने से मन मुठाव जो होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और माता रानी की कृपा से जो है दोनों के बीच में दोस्तों प्यार भी बढ़ने लगता है। अब जो है दोस्तों घर का मुख्य द्वार, दोस्तों हमारा जो सभी लोगों का जो आवागमन होता है वह घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है, और दोस्तों और घर के मुख्य दरवाजे से ही नकारात्मकता और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में दोस्तों जिस घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मकता बनी रहती है वहाँ माता लक्ष्मी जी जरूर पधारते हैं, और जिस व्यक्तियों के घर में नकारात्मकता होती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं पधारते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको घर के मुख्य दरवाजे पर जो है भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ अगर आप शुक्रवार के दिन जो है मोर पंख लाकर सजाते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि घर से हर प्रकार का जो वास्तु दोष होता है वह दूर होने लग जाता है। तो दोस्तों ये जो उपाय अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर करते हैं तो दोस्तों माता रानी जो है पूर्णिमा के दिन आपके घर की ओर जरूर जरूर पधारते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर ये उपाय जो अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन
कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर ज़रूर बनेगी। तो ऐसे में दोस्तों इन उपायों को शरद पूर्णिमा के दिन आप अवश्य कीजिएगा और माता लक्ष्मी जी को जो है खीर का भोग लगाकर आप व्रत उपवास अवश्य रखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी।